हेलो, माय सेल्फ प्रोफेसर पंकज गजेरा। वेलकम टू ऑल इन डॉक्टर सुभाष टेक्निकल कैंपस। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट दैट इज इंटरनल कंबशन इंजन। इन दिस लेक्चर टॉपिक टू बी डिस्कस कंबशन चेंबर फॉर सीआई इंजन, राइट। सो वी कैन डिस्कस द टू टॉपिक ऑन दिस लेक्चर। फर्स्ट वन इज कंबशन चेंबर डिजाइन फॉर सीआई इंजन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंबशन चेंबर फॉर सीएनजी, राइट। तो इन दो टॉपिक को आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं पहला टॉपिक, कंबशन चेंबर डिजाइन फॉर सीएनजी। तो हम सीएनजी में कंबशन चेंबर की डिजाइन करने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। तो हमें मालूम है कि सीएनजी है, उसमें जो कंबशन होता है वो कैसे होता है कि एयर है, एयर को कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस किया जाता है। आफ्टर एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल है, वो फ्यूल को स्प्रे किया जाता है, दोनों को प्रॉपर मिक्स किया जाता है या वेपराइज किया जाता है। और बाद वहाँ पे जो कंबशन चैम्बर है वहाँ पे क्या होता है, फ्यूल का इग्निशन होता है सीआई इंजन में, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, राइट। तो ये प्रोसेस होती है सीआई इंजन में। तो जो कंबशन चैम्बर, यहाँ पे कंबशन होता है, वो जो पोर्शन है उसे कंबशन चैम्बर कहते हैं। और कंबशन चैम्बर कैसी होनी चाहिए कि जिससे कंबशन एफिशिएंसी प्लस ओवरऑल एफिशिएंसी भी अच्छी मिले। तो ऑब्जेक्टिव में पहला देखते हैं यहाँ पे, इन द सीआई इंजन ड्यूरिंग इंडक्शन सक्शन एंड कंप्रेशन ओनली एयर इज देयर एंड फ्यूल इज इंजेक्टेड एट द एंड ऑफ कंप्रेसर। हमने बात की है, फ्यूल है वो एंड ऑफ कंप्रेशन पे क्या होता है, इंजेक्ट किया जाता है। द टाइम अवेलेबल फॉर वेपोराइजेशन एंड मिक्सिंग विद एयर इज वेरी लिमिटेड। तो ये फ्यूल है और एयर का जो मिक्सिंग का टाइम है वो लिमिटेड होता है। ऑल्सो फॉर बेटर मिक्सिंग एंड बेटर कंबशन एयर स्वॉल इज रिक्वायर्ड विच गिव बेटर कंबशन, राइट। तो जो एयर है, एयर अगर स्वॉल होगी, इसी तरह स्वॉल होगी तो क्या होगा, जो मिक्सिंग है वो मिक्सिंग प्रॉपर होगा। और सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है फ्यूल और एयर का, कॉन्टेक्ट होने का जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है फॉर बेटर कंबशन एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन क्या है, जो ड्रॉपलेट फ्यूल के जो आते हैं वो क्या होते हैं, एटोमाइज होकर आएंगे, तो जो ये सरफेस एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो फॉर बेटर कंबशन एटोमाइजेशन वेपराइजेशन एंड प्रॉपर मिक्सिंग विथ एयर इज रिक्वायर्ड इन मिनिमम टाइम एंड रिजल्ट ऑफ ऑल दिस गिव हाई पावर, बेटर एफिशंसी, स्मूथ एंड नॉइसलेस इंजिन रनिंग एंड शॉर्टर डिले पीरियड विथ रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉकिंग। तो हमने देखा कि अगर डीजल इंजन है तो जितना डिले पीरियड शॉर्टर होगा उतना नॉकिंग क्या होगा, डिक्रीज होगा। और प्रॉपर मिक्सिंग फ्यूल का होगा तो जो डिले पीरियड है, फ्यूल इंजेक्ट होता है और बाद में इग्निशन और कंबशन स्टार्ट होता है, जो वो टाइम लेगे उसे हम क्या कहते थे, डिले पीरियड। जो डिले पीरियड कम होगा तो उसके थ्रू क्या होगा कि नॉकिंग है वो नॉकिंग की टेंडेंसी रिड्यूस होगी। दूसरा क्या, अगर प्रॉपर एटोमाइज होगी फ्यूल ड्रॉपलेट और मिक्सिंग भी होगी तो क्या होगा, जो पावर है वो हाई मिलेगा, एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, स्मूथ एंड नॉइसलेस इंजन रन होगा, राइट। टू अचीव ऑल ऑफ द एबो एडवांटेज द डिजाइन ऑफ सीआई इंजन कंबशन चैम्बर बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड स्वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सीआई इंजन, राइट। तो ये जो एडवांटेज दिए गए है वो एडवांटेज को हम, तो ये सारे एडवांटेज लेने के लिए जो कंबशन चैम्बर की डिजाइन है वो डिजाइन बहुत इम्पोर्टेंट है और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो फ्यूल है उसे एयर को सॉल्व करना पड़ता है और सॉल्व है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसमें सीआई इंजन में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंबशन चैम्बर फॉर सीआई इंजन। तो सीआई इंजन की जो कंबशन चैम्बर है उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। द कंबशन चैम्बर फॉर द सीआई इंजन आर क्लासिफाइड एज फॉलो। फर्स्ट वन इज ओपन कंबशन चैम्बर और डायरेक्ट इंजेक्टेड इंजेक्शन कंबशन चैम्बर, राइट। सेकंड है प्री कंबशन चैम्बर। थर्ड है टर्बुलेंट कंबशन चैम्बर और इनडायरेक्ट इंजेक्शन कंबशन चैम्बर। फोर्थ है स्पेशल कंबशन चैम्बर, जो स्पेशल शेप में बने, ओपन कंबशन चैम्बर है, प्री कंबशन है, पहले कंबशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंजेक्शन कंबशन चैम्बर। तो ये चारों कंबशन चैम्बर है उसका हम डिस्कशन अब करेंगे, राइट। तो फर्स्ट है ओपन और डायरेक्ट इंजेक्शन कंबशन चैम्बर।
राइट। तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है राइट कि यहाँ से क्या होता है, फ्यूल है, फ्यूल का स्प्रे होता है और यहाँ पे क्या होता है, ओपन होता है राइट, या डायरेक्ट एयर के थ्रू कॉन्टेक्ट में फ्यूल है और फ्यूल आ जाते हैं राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट फोर शेप के दिए हुए है, सेलो है, हेमिस्फेरिकल है, सिलिंड्रिकल है और ट्रंकेट कॉन्टैक्ट है। तो ये चारों टाइप जनरली ओपन कंबेंशन चैम्बर में यूज होते हैं। इन ओपन कंबेंशन चैम्बर द स्पेस बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर हेड इज ओपन राइट। तो ये पिस्टन एंड ये जो सिलेंडर हेड है दोनों के बीच की जो स्पेस है वो क्या होती है, ओपन होती है राइट। नो रेस्टिकेशन इन बिटवीन, नो रेस्टिकेशन इन बिटवीन, देयरफॉर ऑल एयर इज कंटेन्ड इन सिंगल स्पेस बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर हेड। द फ्यूल इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनसाइड द स्पेस, दैट व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट इंजेक्शन इंजिन और इन शॉर्ट डायरेक्ट DI इंजिन राइट। तो यहाँ पर डायरेक्ट इंजेक्शन, इंजेक्शन होगा और डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन, तो डायरेक्ट इंजेक्टेड इंजिन उसे कहते हैं राइट। ओपन और डायरेक्ट इंजेक्शन कम्बेंशन चैम्बर है उसमें क्या होता है, टू अचीव बेटर कम्बेंशन एंड सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ कैविटी आर फॉर्म इन पिस्टन क्राउन एंड सिलेंडर। तो जो पिस्टन होता है और सिलेंडर का जो क्राउन होता है वहाँ पे डिफरेंट कैविटी का शेप क्रिएट किया जाता है क्योंकि ओपन कम्बेंशन चैम्बर में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आए तो प्रॉपर कम्बेंशन हो सके। इन सम केस द शेप ऑफ सिलेंडर हेड प्रोवाइड अ कैविटी टू क्रिएट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर बेटर मिक्सिंग एंड बेटर बर्निंग राइट। तो फेवरेबल कंडीशन भी मिलती है राइट। द साइलेंट फीचर ऑफ ओपन कम्बेंशन चैम्बर आर, फर्स्ट वन, लेस टर्बुलेंस इज जनरेटेड इन दिस टाइप सो हीट लॉस इज लेस एंड दस स्टार्टिंग इज इजियर राइट। सो इसमें लेस टर्बुलेंस जनरेट होगा तो क्या होगा कि स्टार्टिंग वो इजीली स्टार्ट हो सकता है। एक्सेस एयर इज मोर रिक्वायर्ड सो इंजिन साइज इंक्रीज एंड थर्मल एफिशिएंसी आल्सो इंक्रीज। एक्सेस एयर जो प्रॉपर फ्यूल का कंबेंशन के लिए जो एयर है वो एयर ज़्यादा रहेगी, एक्सेस एयर भी रिक्वायर्ड रहेगी तो क्या होगा, इंजिन की साइज भी इंक्रीज होगी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। जनरली दे आर यूज फॉर लार्ज कैपेसिटी एंड लो स्पीड इंजन। सो ओपन और डायरेक्ट इंजेक्शन कंबेंशन चैम्बर है और लार्ज कैपेसिटी और लो स्पीड इंजन है उसमें यूज होती है। अब देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओपन कंबेंशन चैम्बर। तो एडवांटेज क्या है, थर्मल एफिशिएंसी हाई बिकॉज हीट ट्रांसफर लॉसेज आर लेस, हीट ट्रांसफर लॉसेज लेस है तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी। इजीयर स्टार्टिंग बिकॉज हीट ट्रांसफर लॉस आर लेस, तो स्टार्टिंग भी ईजी रहेगा क्योंकि हीट ट्रांसफर लॉस कम है। सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पे इसका क्या होगा, सिंपल होगा, साइज लार्ज होगी लेकिन कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सिंपल होगा। इन केस ऑफ स्लो स्पीड इंजन लेस कॉस्टली फ्यूल विथ लॉन्गर डिले कैन बी यूज राइट। सो इंजन स्पीड वाला जो होता है उसमें कॉस्ट है फ्यूल की, वो लेस कॉस्ट वाला फ्यूल भी इसमें यूज किया जाता है और जो डिले पीरियड है वो क्या होता है, लॉन्गर होता है। अब डिसएडवांटेज देखते हैं, इंजन साइज बिकम अ लार्ज फॉर जनरेटिंग अ सेम पावर ड्यू टू लार्ज एक्सेसिव एयर रिक्वायर्ड। तो लार्ज एक्सेसिव एयर की रिक्वायर्ड होती है सो इंजन की साइज है, इंजन की साइज क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। ड्यू टू लेस टर्बुलेंस हाई इंजेक्शन प्रेशर इज रिक्वायर्ड विथ मल्टीपल होल नोजल राइट। तो टर्बुलेंस नहीं होता तो इंजेक्शन प्रेशर है वो ज़्यादा की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो फ्यूल नोजल के थ्रू इंजेक्ट होता है तो वहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल होल होते हैं क्योंकि मल्टी पॉइंट से वो फ्यूल हाई प्रेशर है इंजेक्टेड हो सके। मेंटेनेंस कॉस्ट इज हायर क्योंकि इंजन की साइज बढ़ेगी तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। उसके बाद देखते हैं प्री कम्बेंशन चैम्बर राइट। तो कम्बेंशन है वो उसमें से जो कुछ परसेंटेज है, कुछ पार्ट कम्बेंशन है वो पहले हो जाएगा राइट। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिया गया राइट। तो यहाँ पे प्री कम्बेंशन चैम्बर तीनों में दी गई है। स्मॉल एडिशनल चैम्बर कॉल एज ए प्री कम्बेंशन, तो ये जो स्मॉल एडिशनल चैम्बर है उसे क्या कहते हैं, प्री कम्बेंशनल चैम्बर कहा जाता है राइट। प्री कम्बेंशन चैम्बर इज कनेक्टेड विथ मेन कम्बेंशन चैम्बर राइट। तो ये प्री कम्बेंशन चैम्बर है किसके साथ कनेक्टेड होती है, मेन कम्बेंशन चैम्बर के साथ। वेयर फ्यूल इज इंजेक्टेड इन दिस प्री कम्बेंशन चैम्बर बोथ दिस चैम्बर आर कनेक्टेड विथ स्मॉल होल, ये दोनों स्मॉल होल के थ्रू क्या होती है, कनेक्टेड होती है राइट। एज फ्यूल इज इंजेक्टेड कम्बेंशन स्टार्ट एट प्री कम्बेंशन चैम्बर एंड
product of combustion rush out through small hole to main combustion chamber with very high velocity, right? तो पहले यहाँ combustion होता है, बाद में वो combustion होकर कहाँ से high velocity से main combustion chamber, ये main है और ये क्या है pre है, तो उसमें add होती है, right? तो it generate turbulence as well as swirl which produce bulk combustion in main combustion chamber. About 80% of energy is released in main combustion chamber, right? तो यहाँ पर क्या होगा, hole के through high velocity से enter होगा, तो यहाँ swirling भी create होगा, swirling से create होगा, तो जो energy वो 80% energy है वो main combustion chamber में release करेगी, right? The first combustion start at pre-combustion chamber due to high temperature of heat and it propagate to main combustion chamber, thus the delay period is reduced and poor grade fuel can be also easily burn, right? तो यहाँ पहले combustion होगा high temperature के through, बाद में propagator होकर main combustion chamber में आएंगे और इसमें delay period क्या कर सकते हैं, reduce कर सकते हैं और poor grade का जो fuel है वो fuel भी pre-combustion chamber में use किया जाता है. अब इसका advantage और disadvantage देखते हैं. Advantage, fuel with wild range of Cetan number can be used. तो Cetan number हमें मालूम है कि पेट्रोल है, तो पेट्रोल में ऑक्टेन रेटिंग वाला फ्यूल यूज होता है और डीजल है तो डीजल में सीटेन रेटिंग वाला फ्यूल यूज होता है. अगर सीटेन रेटिंग ज़्यादा है फ्यूल का, डीजल फ्यूल का सीटेन रेटिंग ज़्यादा है, तो मीन्स जो उसकी एक्सलरेशन कैपेसिटी वो ज़्यादा होगा, फ्यूल है वो प्रॉपर इग्निशन होगा, राइट? तो उसे डीजल है उसे सीटेन नंबर से इंडिकेट किया जाता है, राइट? एज इंजेक्टेड प्रेशर इज लो, सिंपल फ्यूल नोजल कैन बी यूज. इंजेक्शन प्रेशर इसमें लो रहेगा तो उसमें मल्टी होल वाली नोजल यूज करनी पड़ती थी, यहाँ पे सिंपल नोजल यूज की जाती है. स्मूथर रनिंग ऑफ इंजन, रनिंग है वो स्मूथली रन होता है. इंजन कैन बी रन एट हाई स्पीड, हाई स्पीड पर भी इंजन को रन किया जाता है. जो पहले हमने देखा था डायरेक्ट कंबशन चैम्बर, वो स्लो स्पीड पे रन होती थी. एज डिले पीरियड इज मेंटेन, कंबशन चैम्बर इज वेरी स्मॉल, नॉकिंग tendency is very less. Also engine can be run with higher compression ratio. तो right, तो ज़्यादा compression ratio में भी ये pre-combustion chamber का use कर सकते हैं. Disadvantage अब क्या है, तो engine design become a complicated due to pre-combustion chamber. जो design है वो थोड़ी complicated हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले pre-combustion chamber हो है, बाद में उसे main combustion chamber में लाया जाता है, तो design है थोड़ी सी complicated हो जाएगी. Heat loss from pre-combustion chamber is हाय, तो इसमें क्या रहेगा, जो हीट लॉस है तो हीट लॉस भी क्या रहेगा, हाई रहेगा. ड्यू टू हाई हीट लॉस कोल्ड स्टार्टिंग डिफिकल्ट, राइट? तो हीट लॉस अगर ज़्यादा है तो कोल्ड स्टार्टिंग क्या होगा, डिफिकल्ट होगा. अगर हीट लॉस कम है तो कोल्ड स्टार्टिंग क्या होगा, इजी होगा, जो ओपन चैम्बर में हमने देखा था. तो फ्यूल कंबंशन इज हाई एंड थर्मल एफिशिएंसी, जो फ्यूल का कंबंशन ज़्यादा रहेगा, अगर फ्यूल का कंबंशन ज़्यादा रहता है तो एफिशिएंसी क्या रहेगी, ऑलवेज लो रही. टर्बुलेंस और इनडायरेक्ट इंजेक्शन कंबशन चैम्बर, अब टर्बुलेंस क्रिएट करना है के लिए टर्बुलेंस दिया गया होता है, स्वेलिंग पोर्शन दिया गया था यहाँ पे दिया गया, और बाद में क्या होता है, कंबशन चैम्बर में फ्यूल है वो एंटर होता है. दिस कंबशन चैम्बर आर सिमिलर एज दैट ऑफ प्री कंबशन चैम्बर. द डिफरेंस इज दैट प्री कंबशन चैम्बर ओनली 20-25% ऑफ टोटल एयर एंटर, व्हाइल this type of means के turbulence type 80-90% of total air circulating pre chamber, right? तो उसमें क्या था कि 20-25% सिर्फ air है वो pre combustion chamber में enter होती थी, लेकिन turbulence में क्या होगा, 80-90% air है यहाँ पे enter होकर swell होकर बाद में यहाँ पे आएगी, right? तो fuel is injected in this pre combustion chamber and ignition and bulk of the combustion take place there in, right? और जो बाद में बल्क वो होता है वो सारा बल्क क्या होगा, मेन कंबशन चैम्बर में आएगा, राइट? एज हाई रेट ऑफ स्वॉल, हाई रेट ऑफ स्वॉल, राइट, जैसे जो फ्यूल है वो स्वॉल होकर आएगा, तो हाई रेट ऑफ स्वॉल प्रोड्यूस इन दिस टाइप इज ऑल्सो नोन एज स्वॉल कंबशन चैम्बर. सो उसको दूसरा नाम क्या है, स्वॉल कंबशन चैम्बर. ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक मोस्ट ऑफ द एयर from main combustion chamber enter to pre-combustion chamber where high rate of swirl is produced. तो यहाँ से जब यहाँ enter होगी तो high rate of swirl produce
होगा जो डायरेक्ट ऑफ सोलर प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा कि सरफेस टू ऑयल रेशियो इंक्रीज होगा, मीन्स के फ्यूल और एयर का कॉन्टेक्ट बढ़ेगा और जो इग्निशन है वो इग्निशन प्रॉपर होगा, राइट। तो उसके लिए सोल क्रिएट किया जाता है। उसके बाद देखते हैं एडवांटेज ऑफ टर्बुलेंस कंबशन चैम्बर, राइट। तो एडवांटेज क्या है, ड्यू टू हाई रेट ऑफ सोल कंपेरेटिवली रिच मिक्सर, रिच मिक्सर मीन्स के जिसमें फ्यूल की जो डीजल है उसकी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसे रिच मिक्सर कहते हैं, राइट। तो हाई रेट ऑफ सोल कंपेरेटिवली रिच मिक्सर कैन बी यूज विच मेक इंजिन कॉम्पैक्ट फॉर गिवन, तो इंजन जो वो हम कॉम्पैक्ट बना सकते हैं क्योंकि रिच मिक्सर सप्लाई होगा उसके लिए। लार्ज रेंज ऑफ सीटन नंबर फ्यूल कैन बी यूज, तो सीटन नंबर का जो वेरिएशन है वो फ्यूल भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। इंजेक्शन प्रेशर एंड पैटर्न ऑफ इंजेक्शन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू स्वॉल सिंपल नोजल कैन बी यूज, इतना इंपॉर्टेंट है कि जो नोजल का इंजेक्शन प्रेशर है वो इतना इंपॉर्टेंट है इसमें नहीं है, वो बेनिफिट रहेगा। स्मूथ रनिंग एंड लो मेंटेनेंस ऑफ इंजिन, तो इसमें क्या रहेगा, मेंटेनेंस भी कम रहेगा और रनिंग भी कैसा होगा स्मूथ होगा। उसके बाद देखते हैं द इंजिन कैन बी ऑपरेटेड हाई स्पीड बिकॉज डिले पीरियड इज वेरी स्मॉल, डिले पीरियड स्मॉल रहेगा तो इंजिन हाई स्पीड में ऑपरेट होगा क्योंकि नॉकिंग टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो ये इसके एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज देखते हैं, ड्यू टू लार्ज हीट लॉस टू सिलेंडर वॉल फ्यूल कंजप्शन इंक्रीज, फ्यूल का कंजप्शन है वो क्या होता है इंक्रीज होता है, वो क्या है डिसएडवांटेज है, लो थर्मल एफिशिएंसी क्योंकि हीट लॉस है क्या होगा ज़्यादा होगा, कोल्ड स्टार्टिंग इज डिफिकल्ट, तीनों उसके डिसएडवांटेज है, राइट। फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा, लो थर्मल एफिशिएंसी होगी और कोल्ड स्टार्टिंग डिफिकल्ट होगा। अब स्पेशल कंबशन चैम्बर है वो देख लेते हैं जिसमें स्पेशल कंबशन चैम्बर है वो क्रिएट की जाती है। तो पहली है एम ए एन कंबशन चैम्बर जो साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है, डॉक्टर मेयर ऑफ मचीमेन फैब्रिक ओगबर्ग न्यूबर्ग ऑफ जर्मन इन 1954 डेवलप अ स्पेशल टाइप ऑफ ओपन कंबशन चैम्बर ऑल्सो कॉल्ड एम कंबशन चैम्बर, और इसको दूसरा नाम क्या दिया गया, एम कंबशन चैम्बर, राइट। तो इसमें क्या होता है, द फ्यूल स्प्रे सिंपली टेंजेंशियली ऑन द केविटी एंड इट स्प्रेड ओवर द एंटायर चैम्बर, राइट। तो यहाँ पे क्या टेंजेंशियली फ्यूल है, फ्यूल का स्प्रे होता है पूरे कंबशन चैम्बर में इम्प्लीमेंट इसका होता है, राइट। सो उसका क्या होता है कि अनडिजायरेबल इन अर्लियर डिजाइन ऑफ ओपन कंबशन चैम्बर, तो ये ओपन कंबशन चैम्बर की अर्लियर डिजाइन है, राइट। दूसरी जो स्पेशल कंबशन चैम्बर है एयर सेल दिया गया है, तो एयर सेल के आधार पर एयर सेल कंबशन चैम्बर दी गई है। एयर सेल कंबशन चैम्बर डिजाइन यूज फॉर लानोवा इंजन इज रिप्रेजेंट इन फिगर, तो यहाँ पे दी गई है लानोवा इंजन में ये यूज होता है। इन दिस केस अ सेपरेट एयर सेल थ्रू अ स्मॉल नेक कम्युनिकेट विद द मेन कंबशन, तो ये स्मॉल नेक है वो क्या करेगा मेन कम्युनिकेट के साथ, मेन कंबशन चैम्बर के साथ कम्युनिकेट करेगा। द फ्यूल इज इंजेक्टेड अक्रॉस द मेन कंबशन चैम्बर इनटू द नेक एयर सेल विच इज डिजाइन टू रन हॉट, तो यहाँ पे रन हॉट करने के लिए एयर चैम्बर दी गई होती है, राइट। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।